हेलो जी नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार एके आपका अज्जू भाई एंड वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ अज्जू के अपडेट, जहां पर हम करते फिल्मों के अपडेट्स की बात एक साथ। सबसे पहली अपडेट है सलमान खान की नेक्स्ट मूवी। सलमान खान ने अपने फैंस को ईदी देते हुए इस ईद पर अनाउंस किया अपनी नेक्स्ट फिल्म AR मुर्गदॉस के साथ। जी हाँ भाई साहब, गजनी और हॉलीडे के डायरेक्टर। मूवी का नाम है सिकंदर। डायरेक्टर AR मुर्गदॉस एंड सलमान खान ने इससे पहले किसी पिक्चर में काम नहीं किया। अब इन दोनों का कोलैब हमें अगली वांटेड का मजा दे सकता है। अब सलमान की बात हो ही रही है तो सलमान खान एंड शाहरुख खान के घर पर हर ईद के टाइम पर बहुत कम फैंस इकट्ठा होते हैं। इस बार भी हुए थे और उनको सलमान एंड शाहरुख खान की तरफ से ईदी मिली और साथ में मुंबई पुलिस से भी। डंडे पड़े भाई साहब, बहुत मार। इससे अच्छा तो मैं जॉनी लोर का फैन बनता, क्योंकि वो अपने फैन से कुछ ऐसे मिलता है। वॉर 2 की एक बढ़िया खबर आ रही है, जहां पर उसका शूट आज से मतलब 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जिसमें जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन मेन जो एक्शन सीक्वेंस है उसको पहले शूट करेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगली खबर है BMCM के फर्स्ट डे कलेक्शन की, 36.33 crore इसने कमा लिए। मतलब ईद के टाइम पर भर रहे थे थिएटर्स। मूवी थोड़ी सी ऐसी है, हमने इसका रिव्यू भी किया है, जाकर देख सकते हो। लेकिन भाई साहब, फैन तो फैंस होते हैं, फैंस को पसंद आ रही है। वैसे मैदान का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आया है 10.70 crore। अच्छी मूवीज हमेशा आगे क्यों नहीं जाती यार। वैसे आगे से याद आया, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड सिंघम अगेन भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है दिवाली के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहले रिलीज होने वाली थी 15 अगस्त 2024 को, लेकिन अभी पुष्पा 2 के क्रेज को देखकर इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। ऐसा मत समझना, समझ भी सकते हो, लेकिन ये लोग बोल रहे कि मूवी की शूटिंग में थोड़ा सा डिले हो रहा है। एंड रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन दोनों नहीं चाहते कि मूवी की क्वालिटी में कोई भी फर्क पड़े। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि पुष्पा अपने हिसाब से कमाएगी और सिंघम 3 को भी हाइप मिल जाएगी। कल की मूवी की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो रिलीज डेट थी 9 मई से बदलकर अभी आगे शिफ्ट कर दी गई है, मतलब जून को रिलीज होगी फिल्म। मतलब सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन ही चल रहा है। बट भाई साहब, इससे पहले इनका एनिमेशन प्रीलूड आने वाला है, मतलब कल्कि की पूरी स्टोरी समझाने के लिए। ये कल्कि की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कल्कि क्या है वो भाई साहब, किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। एग्जैक्टली कब और किस पर पता नहीं, मैं बताएगा तुमको बाद में, प्लीज सब्सक्राइब। अगली खबर रामायण से लेकर है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी शॉकिंग। जहाँ बताया जा रहा है यश अब रावण नहीं प्ले करने वाले। हाँ मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था। पहले बताया जा रहा था यश रावण प्ले करने के साथ साथ इस मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाला है, बट अभी कहा जा रहा है वो रावण नहीं प्ले करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करने वाला है। मतलब भाई साहब ये भद्दी न्यूज है, क्या पता रूमर भी हो, क्या यह है तो अच्छी बात है। अगली खबर है जूनियर NTR की अपकमिंग एंड मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा को लेकर। देवरा पार्ट 1 जहाँ पर इसी महीने रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पोस्टपोन्ड हो गई, मतलब 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है ड्यू टू पोस्ट प्रोडक्शन। बट अच्छी खबर है कि इसको अच्छा वाला हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर मिल चुका है, मतलब करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, साथ में अनिल थड़ानी की AA फिल्म्स। मतलब सोचो भाई साहब, जब धर्मा प्रोडक्शन ने बाहुबली को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसने छप्पर फाड़ दिया था। ये गान फाड़ देगी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, अश्लील है ये लौंडा। रजनीकांत एंड लोकेश कनगराज की फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन में बनने वाली फिल्म 171। कहा जा रहा है कि इस मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट 22 अप्रैल तक हो सकता है। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस मूवी में SRK का भी कैमियो हो सकता है। पता नहीं कितना रूमर है कितना नहीं है, लेकिन होना चाहिए। थलपति विजय की अपकमिंग पिक्चर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसको अभी रिलीज डेट मिल चुकी है, 5th सितंबर को आएगी ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे। अब देखते हैं ये क्या सिखा कर जाएगी। अब उड़ती 2 खबरें सामने आ रही है जिस पर मेरे को भरोसा नहीं है। सलार 2 की शूटिंग कहा जा रहा है कि मई से शुरू होने वाले, मई 2024 से, अभी 2025 में आकर रिलीज होगी, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। दूसरी खबर है प्रियंका चोपड़ा एंड संजय लीला भंसाली का एक और बार कोलैबोरेशन हो सकता है। मतलब इसके अगली वाली जो मूवी है संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर विद रणबीर कपूर एंड विक्की कौशल, उसके बाद प्रियंका एंड संजय लीला भंसाली की कोलैबोरेशन में कोई पिक्चर आ सकती है। पता नहीं कितना खरा है कितना खोटा, मैं मोटा कोई सेंस है इस बात की। तो ये थे आज के अपडेट्स, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ कल, सिंपल।